मानव समाचार मानवता के हक में। आज बरोज शनिचर माली नगर से एक लड़का घर से सुबह 8 बजे से निकला, उसका नाम था जयेश सुरेश गांगोड़े। जयेश सुरेश गांगोड़े नामी एक लड़का सुबह घर से निकला 8 बजे से। घर के लोग ने तलाश किया लेकिन वो 13 गांव के लग उसकी बाइक मिली और वो हमारे डिपार्टमेंट के मनोहर तिसगे फायरमैन सीनियर फायरमैन है हमारे, और हमारे डिपार्टमेंट के फायरमैन मनोहर तिसगे का भतीजा था। उन्होंने मुझे रात को अभी 9 बजे फ़ोन किया कि यार शकील भाई लगता है मेरा भतीजा माली नगर से उसकी बाइक 13 गांव में एक कुएं के लग मिली। उनको ऐसा अंदेशा था मनोहर बोर गाँव वालों को कि यार हो सकता है इसमें तो नहीं उसने कुछ सुसाइड किया या उसके साथ कुछ हादसा पेश आया। तो हम मौके वारदात पर मनोहर बो के बोलते ही मैं घर पर ही था, मैंने घर से बाइक लिया, मेरे साथी कामरान आया और हम बाइक पर ही मेरे घर से यहाँ आया और मनोहर बोर से जायजा लिया और कुआं तकरीबन 120 फीट गए, 30 से 35 फीट पानी है। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके अकेले उतर कर सर्च करना शुरू किया और तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही डेड बॉडी रेस्क्यू कर रस्सी से बांध कर ऊपर निकाल कर अभी वार्सिंग के हवाले दिए गए। इनके इसका क्या मसला था क्या नहीं अभी पुलिस पंचनामे में आएगा। अभी डेड बॉडी हम सिविल हॉस्पिटल भेज रहे। हमारे फायर ब्रिगेड मनोहर तिसगे का ये भतीजा था और मुझे जैसे ही फ़ोन किया था रात को आकर अल्लाह की मदद से अकेले रेस्क्यू कर हमारे निकाल कर डिपार्टमेंट के आदमी को के गांव वालों को सौंपा गया। उसका नाम था जय सुरेश गांगोड़े, रहने वाला माली नगर का संगमेश्वर का, और वहाँ से हादसा ये पेश आया 13 गाँव में।